जब मोहम्मद रियाज और गौस मोहम्मद दुकान के अंदर आए, उससे पहले का क्या नजारा था और जब वो आए उसके बाद क्या हुआ दुकान में? सर उससे पहले वो हम काम कर रहे थे, तब वो दोनों जने आए थे मोटरसाइकिल पे और दुकान के जस्ट सामने गाड़ी रोकी। तो दुकान के सामने गाड़ी जो रोकी उन्होंने, वही बाइक थी जिसके ऊपर 2611 लिखा जी हुआ था? जी सर वही गाड़ी थी। उसके बाद क्या हुआ ये बताएं, दुकान के अंदर उन्होंने जब एंटर किया तो क्या कुछ बात की उन्होंने आपसे या किसी और से, उसके बाद क्या हुआ? सर उन्होंने बोला मेरा कुर्ता फिटिंग कराना है, तो दो तीन कुर्ते हैं तो आप फिटिंग कर दोगे क्या? तो उन्होंने बोला कर दूंगा। तो कुर्ता निकाला, एक कुर्ता निकाला और नाप देने लगे कितना ढीला है कितना टाइट है। नाप देने लगे तो उन्होंने बोला एक कुर्ता और है हमारा, जो बैग को खंगालने लगे, अंदर से ढूंढने लगे। क्या हथियार निकालने के लिए कर रहे थे? सर उस टाइम ये मालूम नहीं पड़ा कि हथियार निकाल रहे हैं कुर्ता निकाल रहे हैं, लेकिन कुर्ता जैसे ही ढूंढने ढूंढने के चक्कर में फिर उन्होंने वो हथियार निकाले हैं और उनके ऊपर वार करना चालू कर दिया। धारदार हथियार से उन्होंने वार करने चालू कर दिए। उस समय आप कहाँ थे, ईश्वर जो है वो कहाँ थे कि आप लोगों ने बचाने की कोशिश की? हम दोनों अपनी मशीन पे काम कर रहे थे सर, और जैसे ही उन्होंने बचाओ बचाओ करके आवाज आई तो हम दोनों खड़े हो गए और मैं बाहर निकला और ईश्वर बाहर निकला। हम दोनों ने बचाओ बचाओ करके आवाज भी लगाई लेकिन कोई आया नहीं, तो मैं बाहर निकला। मैंने वो एक आदमी को धक्का दिया। किसको? आपने रियाज मोहम्मद को धक्का दिया? एक बार था उसको धक्का दिया साइड में, लेकिन उसने मेरे ऊपर वार करा तो खाली चला गया। दूसरा वार उसने पीछे से ईश्वर गौड़ को बाहर निकलते हुए पीछे से वार करा तो उनके सिर में चोट आई और पीछे कंधे पर चोट आई। अच्छा, पर आप लोग डरे हुए थे उस समय बहुत ज्यादा? क्या सर बहुत हाथ पैर फूल गए थे, उनके हथियार इतने बड़े बड़े हथियार थे सर। और फिर मैं ईश्वर गौड़ को साइड में मेहता केमिकल के अंदर ले गया और उनके सिर पर कपड़ा बांध के जब उसको वापस बाहर आया जब तक इस कन्हैयालाल जी की निर्मम हत्या हो चुकी थी सर। तो पहली बार है राजकुमार शर्मा कैमरे के सामने आए हैं, कह रहे हैं कि बता रहे थे कि किस तरह से निर्मम हत्या हुई कन्हैया लाल की। कैमरे के सामने जब वो फिल्म कर रहे थे पूरे वाकयात को, तो सुनियोजित तरीके से कहा जा रहा था कि उन्होंने पहले रेकी की थी। क्या कभी दुकान के आसपास वो लोग पहले दिखे थे? नहीं सर पहले तो दिखे नहीं थे वो, लेकिन इक्के दुके सर जाते आते देखते जरूर थे कोई। ये कहा जा रहा था कि कुछ दिन पहले एक आदमी, उनके साथ एक बुर्का पहनी हुई महिला, वो दुकान में आए थे, उन्होंने कन्हैया लाल को धमकी दी थी। क्या ये सही है? आपके सामने हुआ था? सही है, ये बिल्कुल सही है। क्या सर हुआ था उससे? उन्होंने उनको धमकी दी थी कि मैं तुमने हमारे मोहम्मद को गाली दिए तो मैं हम तुम्हारा गला काट देंगे, ऐसी स्थिति में उन्होंने बोला था। उस आदमी को आप जानते थे, पहले कभी देखा था? पहले कभी नहीं आया था सर। क्या वो नाजिम था जिसकी गिरफ्तारी हुई है? नहीं, वो जो धमकी देने आया था वो नाजिम नहीं था सर। तो ये बताएं कि जब वो पूरा वाकयात हो रहा था उस समय आप लोग बाहर आए चिल्लाते हुए, क्या क्या कोई मदद के लिए आया आप लोगों के आसपास? आसपास दुकानें सब बंद रहती है, खाली एक दुकान खुली थी नीचे लेटेस्ट टेलर करके, वो उस दुकान दो मेंबर थे तो वो दोनों भी भाग गए थे। ये किस समय का, क्या वो डर के भागे थे? डर के भागे थे सर। किस समय का वाक्या था ये? ये 3 बजे के आसपास का वाक्या सर। तो आसपास की दुकानें बंद क्यों पड़ी हुई थी? वो सर कोरोना काल से बंद है। अच्छा, तो ये बताएं कि जब वो चोटिल हो चुके थे, जब उनका खून बह रहा था कन्हैया लाल के, आपके दिमाग में सबसे पहले क्या ख्याल आया? क्या आपने उनकी जान बचाने की कोशिश की? सर जान बचाने की कोशिश करी थी, लेकिन अब उन्होंने हमारे ऊपर भी वार करा था, लेकिन मैं तो बच गया सर, लेकिन पीछे से जो मेरे बाद में जो थे उनके चोट लगी सर। आप बता रहे थे ईश्वर को आप अस्पताल लेकर गए? मैं उनके सर पे कपड़ा बांधा। अच्छा। और मैंने पास में एक जो बाद में जो लड़के आए, भीड़ इकट्ठा हुई, तब मैंने उसको अभिषेक नाम का एक लड़का, उसको बोला तू इनको तो एक बार हॉस्पिटल ले जा, फिर उनको हॉस्पिटल भेजा सर उस हालात में। राजकुमार जी ये बताएं, कन्हैया लाल का खून बह रहा था, शरीर पर कई जगह वार थे, कहा जा रहा था कि 26 जगह वार हुए थे, उसमें से 8 से 10 जगह गर्दन पे वार हुए थे, तो आपको लग रहा था क्या कि उम्मीद है कुछ बचे होंगे? आपने कोशिश की उनको अस्पताल ले जाने की? जब तक बाहर आए थे जब तक बचे हुए थे सर, लेकिन मैं जब ईश्वर गौड़ को अंदर ले गया उसके बाद मैं उनको देखने के लिए जैसे ही बाहर आए जब तक पब्लिक भी आ चुकी थी, तो सर जब तक वो हत्या हो चुकी थी। उसके बाद आपने क्या किया, क्या परिवार को बताया, कॉल किया किसी को? सर सब भीड़ इकट्ठा हो गई, सबने एक दूसरे ने फोन लगाना चालू कर दिया सर उस समय। तो वहाँ पर इन्होंने कुछ नारेबाजी भी की थी क्या, जो ये दो लोग आए थे इन्होंने कुछ ऐसा कुछ नारा भी दिया था क्या और कुछ कहा था क्या कि इसलिए कत्ल कर रहे हैं वहाँ पर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुना सर। अच्छा, all right, so you go that eyewitness details that we are bringing to you right now,
he saw the first hand account of what really happened to Kanhaiya Lal right there, and we've spoken exclusively to the eyewitness as well. Arvind Ocha will also be joining us live from Udaipur. Kanhaiya Lal's murder, of course, our top story right now. The other story we're reporting is on the murder that has come in from Amravati as well, circumstantial evidence linking it to the victim supporting Nupur Sharma. So two murders. One, of course, has been established. It's been the victims have been linked to the support for Nupur Sharma. But in the other one, there is circumstantial evidence at the moment. This is a big India Today revelation, where we've learned that butchers met Kanhaiya Lal before ruthlessly beheading him. In fact, we've got a reaction coming in from one more eyewitness, I'm being told. It's just trickling in. Listen in. सर वो आए अंदर तो नाप ले रहे थे सर. अच्छा. नाप उन्हें नाप ले रहे थे तो अंदर आ गए, नाप ले रहे थे वो. मैं इधर काम कर रहा था तो उसमें उसको उन्हें हमला कर दिया उसका. अच्छा. तो वो एकदम चीखे तो वो एक लड़का और बैठा था वो बाहर चला गया फिर मैं उसके पीछे गया तो पीछे मेरे को मार दिया उन्होंने. अच्छा. और जब आपके सामने उन्हें मारना शुरू कर दिया सर मैंने चिल्लाए भी बचाओ पर कोई आए नहीं. आस पास थे लोग? नहीं मतलब चिल्लाना तो पड़ा ना आसपास तो कोई नहीं था कोई नहीं फिर भी चली सुनी की दुकानें हैं दो तीन तो वो तो छोड़ छोड़ के भाग गए नीचे भी एक मेडियन की दुकान है वो भी छोड़ के भाग गए पहले जा चुके थे वो या जब वो दुकान में आए थे तब आपको कुछ पता नहीं चला? नहीं पता सर कस्टमर रहते सर कितने कस्टमर आते हैं वो तो आते हैं कस्टमर तो नाप तो लेंगे ना सर. आप दोनों अकेले थे दुकान में? हाँ हम तीन जने थे. तीन जने थे. उसको जो नियाज था उसको पहले से जानते थे आप लोग? नहीं सर. नहीं जिसने शिकायत कराई थी आपका सामने वाला गाजर? हाँ उसको तो हम जानते थे पहले से जानते थे. रात में कहाँ बैठना था? हाँ वो तो साथ में उठते बैठते उसके फादर तो बहुत अच्छे दोस्त थे हमारे. अच्छा ये बताइए दोनों बार कर रहे थे आप तो या देख रहे थे? अच्छे ही है हमला दोनों ने किया था? दोनों ने किया. All right, that was the second eyewitness account right there. And the first one we brought to you how Dev Ankur Vadhavan also spoke to the eyewitness. We played both the reactions of the eyewitnesses of Udaipur killing right there. Chilling story. Chilling story, absolutely. We've got to you the details as far as what the eyewitnesses have to say. They mentioned and narrated the entire ordeal. My colleague Dev Ankur Vadhavan also got you those details. I have two eyewitness accounts. We played both of those out for you, and really horrifying revelations coming out from the eyewitnesses at this point. Another murder for backing, reportedly backing rather, because there's just circumstantial evidence available for backing BJP former spokesperson Nupur Sharma's remark against Prophet Muhammad. This has shocked the nation. Exactly a week before Kanhaiya Lal was beheaded in Udaipur, Umesh Kole, a 54-year-old chemist, was killed in Maharashtra's Amravati district on 21st of June. The police have now seized the knife used for murder, obtained CCTV footage that captured the sequence of the events, and the incident, what we're picking up, happened between 10 p.m. and 10:30 p.m. on 21st of June, when Umesh Kole, who's the victim, he was going home on a two-wheeler after closing his shop. His son and his wife were accompanying him on a different vehicle. Based on the son's complaint, an FIR was registered, six accused been arrested. BJP has called it revenge killing by Muslims, and Maharashtra ATS is now probing Kole murder case. महाराष्ट्र सरकार में जो आईपीएस अधिकारी चुन के आता है वो आईपीएस बनता है तो उसका पहला चॉइस रहता है महाराष्ट्र. क्यों रहता है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर में महाराष्ट्र हमेशा अग्रसर रहा है, और शिंदे साहब के नेतृत्व में और फडणवीस साहब के नेतृत्व में ये हम करके दिखाएंगे. और जो भी आप इंसिडेंट्स बोल रहे हैं उसमें लीगल एक्शन ली जाएगी. ये लीगल बातें हैं, लीगली उसको देखा जाएगा और लीगल एक्शन लिया जाएगा.